देखो ये भी क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, रीओ लेक्चर नंबर 3। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है R इक्वल टू 2 ओम, इसमें करंट फाइंड करनी है। बेसिकली क्वेश्चन क्या था, ये टर्मिनल्स हमारे अलग A डैश, ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जब दो ओपन टर्मिनल्स थे उसमें कहा था कि यदि इन दो ओपन टर्मिनल्स के बीच में हम एक वोल्टेज सोर्स लगा दें 2 वोल्ट का, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम हो, तो फाइंड करो कि इस रेजिस्टेंस में वैल्यू कितनी होगी करंट की। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 एम्पियर, 1.66 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.625 एम्पियर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको KCL से करना आसान पड़ेगा इस क्वेश्चन को। इस नोड को रेफरेंस नोड मानते हैं KCL में, यहाँ पे हमने V वोल्ट मान लिया है, तो KCL लगाएंगे इस नोड पर। हमने भी करंट I इक्वल टू इधर I, करंट इधर से आया, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया I1 I2 से, तो इस पॉइंट पर करंट I आ रहा है जो कि डिवाइड हुआ है I1 और I2 में, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। I की वैल्यू क्या होगी, इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 1 माइनस V, 1 वोल्ट, इधर 1 वोल्ट है इस तरफ, इधर कितना है V वोल्ट है, तो 1 माइनस V/2 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी होगी जी, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस रेजिस्टेंस के, इधर कितना वोल्टेज है माइनस इधर कितना वोल्टेज है, इधर V है इधर 0 है, तो V माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2 प्लस। I2 की बात करें अगर हम, तो इस रेजिस्टेंस में करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो इधर कितना वोल्टेज है माइनस इधर कितना वोल्टेज है, वोल्टेज है डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस, इधर हमारा V है V, इधर हमारा 2 है -2/1। देखो ये माइनस ध्यान रखना है, अगर यहाँ पोलरिटी अलग होती माइनस प्लस होता तो यहाँ प्लस आता, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व कर लो सिंपल, तो हमारा एलसीएम आ गया वी इधर कितना है प्लस 2V-4 इज इक्वल टू -V/2, उसे टू कर गया तो ये आ गया हमारा -V इज इक्वल टू 3V-4, तो ये हो गया हमारा 4 बदल ले आओ, ये हो गया 4V, तो यहाँ V की वैल्यू आ गई हमारी 1 वोल्ट आ गई थी वैल्यू 2V-4 5/4। ठीक है जी, V की वैल्यू आ गई 5/4 वोल्ट। ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 5/4 है, इस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, तो करंट इन आर क्या हो गया, देखो करंट इन आर कौन सा है, I1। I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी वैल्यू I1 की, V-0/2। V की वैल्यू कितनी है जी, 5/4, तो 5/4/2 क्वेश्चन बना देता हूँ पहले मैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा 2008 में पूछा गया है और 2009 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2008 और 2009 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि दो कॉइल्स हैं हमारी जो कि पास पास रखी हैं, कपल्ड कॉइल्स हैं, एक का इंडक्टेंस जीरो, दोनों का इंडक्टेंस सेम है 0.6 हेनरी, तो जो कपलिंग कोफिशिएंट है वो 0.8 है। तो कह रहा है तो टर्न रेशो फाइंड करो, N1/N2 की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशो है दोनों कॉइल्स में वो कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। देखो दो कॉइल्स हैं इस तरीके से, ऐसे हम मान सकते हैं कि टू कॉइल्स हैं, एक में N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, एक N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, 0.6 हेनरी इसका इंडक्टेंस है, इसका 0.6 हेनरी, तो इसमें रेशो फाइंड करना, बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक छोटा सा प्रूफ पता होना चाहिए, इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो इंडक्टेंस का फॉर्मूला यदि हमें निकालना है तो फैराडे के नियम से हम, मैं भी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ,
जैसे हमें पता है इक्वल टू माइनस के एन इंटू डी फाई बाई डी टी होता है, सेम माइनस के एल इंटू डी आई बाई डी टी भी होता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है किसी कॉइल में, अगर हम फ्लक्स के एस्पेक्ट में देखें तो ये फॉर्मूला है, और हम करंट के एस्पेक्ट में देखें तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से कंपेयर करें दोनों का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एन इंटू फाई, यहाँ एल इंटू आई, एन इंटू फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। तो इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आई निकल गई, आप एल इक्वल टू एन इंटू फाई बाई आई, ठीक है। फ्लक्स का एक फॉर्मूला और बताया मैंने, फ्लक्स का फ्लक्स इक्वल्स टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, मतलब एन इंटू आई बाई एस। मैं फ्लक्स की जगह ये पुट करूंगा यहाँ पे, तो एल आ गया हमारा एन इंटू आई बाई एस, आई से आई कट गया, एन स्क्वायर बाई एस। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है हमें जो इंडक्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, जो इंडक्टेंस है हमारा वो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हमें एल वन एल टू दिया हुआ है और एन वन बाई एल टू का पूछा है हमें, तो हम लिख सकते हैं एल वन बाई एल टू इक्वल टू एन वन बाई एन टू का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं लीजिए, एल वन और एल टू की वैल्यू में पता है कितना, 0.6 डिवाइड बाई 0.6 इक्वल टू एन वन बाई एन टू का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हो गया होगा, तो यहाँ लिखता हूँ इसको, यहाँ कर देता हूँ जी इसको, तो 0.6 कितना आ गया, 1 इक्वल्स टू एन वन बाई एन टू का स्क्वायर, तो एन वन बाई एन टू कितना आ गया, अंडर रूट हुआ 1। तो आंसर क्या हो गया इसका, 1 इज द आंसर। ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया, 2008-2009 में दोनों बार। इजी क्वेश्चन है, आपको प्रूफ पता होना चाहिए ये वाला, एन स्क्वायर बाई एस। आगे भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, एस की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, एल इंटू म्यू अपॉन ए, एल इंटू म्यू अपॉन ए, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करके आगे भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं इसको, एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू म्यू, ऐसे कुछ बन सकता है आगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर, इस पर डिपेंड है आपका ये क्वेश्चन, इससे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।